हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो N लॉन्च हो चुकी है एंड डिटेल्ड इसके प्रॉपर प्राइस वेरिएंट्स, इसके फीचर्स, इसके ब्रोशर, इसके एक एक वेरिएंट के फीचर्स जो है वो सामने आ गए हैं। लेकिन कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है और एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो चुकी है जब से इसकी प्राइस आई है। प्राइस चार्ट आपके लिए यहाँ पर एक बार लगाता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट। हालांकि यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के जो प्राइस है वो सामने नहीं आए हैं और फोर व्हील ड्राइव के भी वो भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में एक स्पेशल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विच इज़ फीचर्स। 100 फीचर्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 100 फीचर्स ऑफ द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो N, जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। कम से कम समय में आपको ये 100 के 100 फीचर्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो बताने वाला हूँ और ये 100 फीचर्स जानकर आपको स्कॉर्पियो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज स्कॉर्पियो के ऊपर और भी आने वाले दिनों में कंटेंट आने वाला है, चाहे उसके वेरिएंट वॉकराउंड्स हो, चाहे ड्राइव रिव्यूज हो, कंपैरिजन हो, सब कुछ चैनल के ऊपर अपलोड होगा ही होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। शुरुआत करते हैं इसके पहले वाले फीचर से। देखो, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इंजन या सेफ्टी पहले डिस्कस करूंगा। जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक अच्छा यूनिक फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है, वो आपके साथ पहले शेयर होंगे और इंपॉर्टेंट फीचर्स तो होंगे ही। सबसे पहले मेरे को इसकी जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है एड्रीनो एक्स की, वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो आपको XV700 से शुरू हुई थी, अब आपको स्कॉर्पियो में भी ऑफर की जाएगी। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से इस गाड़ी को ऑन ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल का कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि AC के कंट्रोल्स आप कंट्रोल कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ और भी छोटे मोटे फीचर्स और लाइव स्टेटस तो आप अपने व्हीकल का चेकआउट कर ही सकते हैं। जियो फेंसिंग वगैरह तो है ही। देखो, आपको पता है कनेक्टेड टेक्नोलॉजी क्या होती है। एड्रीनो एक्स की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आपको स्कॉर्पियो में भी ऑफर की जाएगी। साथ के साथ आपको रिमोट इंजन स्टार्ट मैंने बताया कि आप वहां से कर सकते हो। फिर टेम्परेचर कंट्रोल है, वो भी आप वायरलेसली अपने फोन से ही कर पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी द 8-inch टच स्क्रीन। यहां पर आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, एक HD फुल क्लैरिटी वाली टच स्क्रीन विद ब्लैक थीम, जैसे हमने XV700 में देखी। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस ही एप्पल कारप्ले भी ऑफर किया जाएगा। साथ में आपको इसमें अलेक्सा भी बिल्ट इन दे दी है। देखो, एक एप्पल दे दी, गूगल दे दी, अलेक्सा भी दे दी। अलेक्सा के साथ आप डेफिनेटली इसको काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, अपने कमांड से सनरूफ ओपन करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, या इनफैक्ट आपने गाड़ी का कोई और कंट्रोल या कुछ जानना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस आपको एंटरटेनमेंट के लिए 12 सोनी के स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं, तो ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, आपकी हेल्प करते हैं। म्यूजिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और चाहे फ्रंट रो में बैठे हो, चाहे सेकंड रो में, चाहे थर्ड रो में, चाहे आप बूट स्पेस मान रख रहे, तब भी आपको एक एक्सपीरियंस जो है म्यूजिक का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वुड बी द वॉट थ्री वर्ड्स बेसिकली होता है कि अलेक्सा के साथ इनबिल्ट है, जिसमें आप कमांड देंगे। अगर आप किसी लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ 3 वर्ड्स में आप कह दे पाएंगे, तो तब भी आपके वहाँ चल जाए, आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, कई बार कोई कस्टमर होता है उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो वो कन्फ्यूज़ रहता है कि यार कमांड तो इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे तो कैसे दूँ। तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि नेविगेट XYZ रेस्टोरेंट, इतना लिखोगे वो हो जाएगा, या कुछ खाने का मन है तो वो वाली आइटम। तो व्हाट थ्री वर्ड्स, आप 3 वर्ड्स में आप किसी तरीके से भी वॉइस कमांड्स को यूज़ कर पाएंगे, ये अलेक्सा बिल्ट इन आपको मिलेगा इसमें। साथ के साथ आपको मिल जाता है इसमें रियर कैमरा, और इतना ही नहीं फ्रंट कैमरा भी है। कंपनी को लगा कि लेफ्ट और राइट साइड पर 360 पूरा देने का इतना मतलब बनता नहीं है, फ्रंट में एक ज़रूरी होता है, रियर में तो ऑफकोर्स ज़रूरी होता ही है। तो उन्होंने फ्रंट कैमरा दे दिया, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, यानी कि जब आप कहीं स्लो स्पीड्स पे खाई वगैरह के पास जा रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आपको आगे से पूरा नीचे का व्यू मिलेगा रोड का, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फीचर। हालांकि स्कॉर्पियो में स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती आपको ग्लव बॉक्स में, लेकिन जितनी जगह मिल रही है वो ठंडी मिल रही है, वो एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वुड बी द ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। अब ठंडी की बात हो रही है तो किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी। XV300 में ऐसा था और इवन XV700 में ऐसा है, तो स्कॉर्पियो में भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि लेफ्ट साइड का टेम्परेचर अलग, राइट साइड का टेम्परेचर अलग आप सेट कर सकते हैं। साथ में अगर एक और इंटरेस्टिंग फीचर की बात करूँ, अगर आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अलेक्सा नहीं भी यूज़ कर रहे, तब भी आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है, जो कि कनेक्टेड रहती है आपके इंटरनेट से, बिकॉज एम्बेडेड सिम है इसके अंदर, तो वहाँ पर भी नेविगेशन में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। फोन अगर वायरलेस ही चार्ज करना चाहते हो तो उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। पुश स्टार्ट बटन तो आपको मिलेगा ही, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मैनुअल लंबर सपोर्ट, वो गोल छा नहीं आता घुमाने वाला नॉब, वो आपको मिल जाता है। साथ में जो बाहर के ORVMs हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल भी हैं। प्लस आपको थर्ड रो में जाने के लिए, एक इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए पहले बता रहा, थर्ड रो में जाने के लिए 1-touch टम्बल डाउन की ऑप्शन मिल जाती है। एक बार टच करो, सीट टम्बल डाउन होती है और आप थर्ड रो में इजिली जा पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी द सेफ्टी फीचर, द ड्राउजीनेस डिटेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत बार क्या होता है, आप काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, आप
स्टेयरिंग के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद आपका हाथ भी लाइट हो रहा है, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है और ड्राइविंग नॉइज़ डिटेक्शन का अलार्म बजता है कि आप ब्रेक ले लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, फिर हम चलेंगे। तो वो एक सेफ्टी फीचर डेफिनेटली काम का है। स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अपनी गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हैं। सेमी डिजिटल क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है, हालांकि फुली डिजिटल नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है कंपनी की तरफ से, बट इट्स ओके, इतना ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, कॉस्ट का पड़ेगा लेकिन वैसे फीचर वाइज उतना फर्क नहीं पड़ता। तो सेमी डिजिटल क्लस्टर अच्छी एनिमेशन के साथ एनालॉग आपको स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है। जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेदर लाइट रखा गया, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक कंपनी कहती है, तो जो टॉप वेरियंट्स उसमें आपको इलेक्ट्रिक, आई पर्सनली बिलीव कि दो मोटर वाला होगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाइट है, कंपनी क्लेम करती है XUV700, इवन XUV300 में काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको मिलता है स्टीयरिंग। नेक्स्ट वुड बी द इंजन ऑप्शंस। तो आपको जानकर खुशी होगी कि स्कॉर्पियो में 4x4 की ऑप्शन अब आने लग गई है, तो उसका नाम 4Explorer रखा गया है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपको टेरेन मोड्स भी ऑफर किए गए हैं, वो भी चार चार, एक तो नॉर्मल जिसमें आप सड़क पे चल रहे हैं, टारमैक मोड, स्नो मड एंड डेजर्ट का भी आपको वहाँ पर ऑप्शन दी गई है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल हो, इतने साइज़ का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है। लेकिन अब पेट्रोल की बात हो रही है तो पेट्रोल में आपको 2 लीटर का एम स्टैलियन इंजन मिलता है, 203 BHP, 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो, ऑटोमेटिक लेंगे तो टॉर्क 10 न्यूटन मीटर बढ़ जाएगी। इसी में जैसे कि मैंने बताया, 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है। ये एक ही तरह का डीजल पेट्रोल इंजन है जो आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो आपके पास दो दो ऑप्शन हैं, बेस वेरिएंट में अलग, टॉप वेरिएंट में अलग है। 2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही पावरफुल और रिलायबल इंजन। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट्स लेंगे तो 132 BHP की आपको पावर मीलती है विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन अगर आप लेते हैं इसका एडवांस वर्जन यानी कि मोर पावरफुल वर्जन, तो आपको 175 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जो है वो ऑफर किया जाता है। साथ में इसमें भी 6-speed मैनुअल और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर आपको ऑफर किया जाएगा, जिसकी टॉर्क डिफरेंट होगी। सस्पेंशन वाइज यहां पर काफी चेंज किया गया है, कंपनी से सस्पेंशन इज अ लॉट बेटर, स्पेसिफिकली रियर सस्पेंशन। तो यहां पर आपको फ्रंट में ड्यूल यानी कि डबल विशबोन सस्पेंशन मिल जाती है, और रियर की बात करें तो आपको पेंटेलिक विद वॉट्स लिंकेज मिल जाती है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये तो नाम होगा, इसका मतलब ये है कि ज्यादा स्टेबल राइड होगी, हाई स्पीड, ज्यादा कुशनी राइड आपको देगी, काफी हद तक जो शॉक्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो झटके हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी सस्पेंशन, और आपको काफी लग्जूरियस फील होगा गाड़ी के अंदर बैठकर। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने सस्पेंशन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। अगली चीज आ जाती है इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर, यानी कि अगर आप काफी कुछ देर के लिए रेड लाइट पे या कहीं पे रुकते हैं तो इंजन उस टाइम पे ऑफ हो जाएगा, क्लच के ऊपर पैर रखेंगे या फिर चलना चाहेंगे तो उसी समय इंजन दोबारा से ऑन होकर गाड़ी चल पड़ेगी। नेक्स्ट वुड बी द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कंपनी ने जो इसका रियर व्हील ड्राइव कंस्ट्रक्शन है, जिसकी पूरी बॉडी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब कंपनी कहती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा हमने बेहतर बना दिया है। नेक्स्ट वुड बी द शिफ्ट ऑन फ्लाई। यहाँ पर शिफ्ट ऑन फ्लाई का मतलब ये कि अगर आप 4-wheel ड्राइव में फटाफट कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बटन से ही कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हैंड ब्रेक होती है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होती है, तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को सिर्फ दबाते हो और वो पार्किंग ब्रेक लग जाती है। वैसे ही यहाँ पर है कि मैनुअली आपको गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा फॉर 4-wheel ड्राइव, जिसमें आप हाई या लो चूज करेंगे, लेकिन उसकी जगह आप शिफ्ट ऑन फ्लाई आपको ऑप्शन मिलती है, यानी कि बटन दबा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द ब्रेक लॉक डिफरेंशियल। ये आपको पता ही है कि एक जगह ब्रेक लग के दूसरा चल पड़ता है, तो वो भी डेफिनेटली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज में काफ़ी काम आएगा। अब डिज़ाइन में भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए। तो सबसे पहले इसकी नई क्रोम ग्रिल बहुत प्यारी लगती है, LED ड्यूल बैरल हेडलैम्प्स तो आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट से शुरू है, LED ऊपर है लेकिन जो हेलोजन है वो बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। LED DRLs है, LED टेल लैंप्स है, 18 इंचज के अलॉय व्हील्स है, LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स है, और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं इन द टॉप वेरिएंट। अब ये तो देखो टॉप वेरिएंट बता रहा हूँ, आई नो आप लोग Z2, Z4, Z6, Z8 के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी वीडियोस हमने अलग से बनाई है, वेरिएंट भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चीज़ मिलेगी, अगर आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो, उसे बेचना चाहते हो, तो इस टाइम पर OLX Autos दे रहा है बेस्ट प्राइसेस। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, फ्री में इंस्पेक्शन कराएं, अभी जाने की आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू आती है, इंस्पेक्शन कराने में कुछ नहीं जाता, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर ले। नेक्स्ट वुड बी द डिज़ाइन में ही अगर हम बात करें तो रियर स्पॉइलर आपको ऑफर किया जाता है, और जो पूरा फ्रेम है ना वो कहीं ना कहीं 3rd generation है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी का कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सेफर है। अब ये तो ग्लोबल एंड क्या भी बताएगा, लेकिन महिंद्रा का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो आई पर्सनली स्कॉर्पियो को अच्छी खासी रेटिंग यहाँ पर मिलने वाली है।
नेक्स्ट वुड बी अनदर फीचर, यानी कि रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर आपको टॉप यूनिट्स में ऑफर किए जाते हैं। प्लस आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कलर ऑप्शन आपको लगाया, तो आई पर्सनली बिलीव के ब्लैक तो देखो ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन ब्लैक के अलावा कोई चूज करना तो मुझे पर्सनली ग्रीन काफी अच्छा लगा। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इवन एक गोल्ड आया है, वो उसके बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर दे। नेक्स्ट वुड बी द रियर एसी वेंट्स और ब्लोअर भी, यानी कि सिर्फ एसी वेंट्स नहीं है, प्रॉपर मॉड्यूल भी दिया गया है, तो उससे आपकी जो एसी की स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको रिच कॉफी ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर किया जाता है, लेदरेट सीट्स हैं और सनरूफ भी ऑफर की जाती है। ए पिलर देखेंगे तो वहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आपको मिलेगा दोनों साइड पर, क्योंकि गाड़ी की जो सिटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगला पॉइंट भी वही है कि हाईएस्ट कमांड सीट्स आपको मिल जाती हैं इस सेगमेंट में, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही सुपीरियर एक राजा वाली फील आती है, और उसको बैठने के लिए आपको ग्रैब हैंडल कभी कभी पकड़ने पड़ सकते हैं। तो वो कंपनी ने ए पिलर पे दोनों साइड पे दिए हैं। नेक्स्ट वुड बी द कैप्टन सीट्स, क्योंकि पीछे बैठ के भी तो राजा फील करना है कि नहीं करना। टॉप वेरियंट में 6 सीटर के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आप कैप्टन सीट्स ऑप्ट कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल राइड भी इंजॉय कर पाएंगे। अगला है इसका बूट स्पेस, फोल्ड करने के बाद 786 लीटर्स की आपको बूट स्पेस यहाँ पर ऑफर की जाती है दोनों रोज फोल्ड करके। वेंटिलेटेड डिस्क जो है आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं आगे और पीछे भी, साथ में एडवांस्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सेफ्टी वाले फीचर्स हैं तो सेफ्टी यहाँ पर लिख देता हूँ। ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, 6 एयरबैग्स हैं, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और रियर में आपको सेंसर्स के साथ साथ पार्किंग सेंसर्स जो होते हैं उसके साथ साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा। प्लस अगर आप इसके स्पेयर टायर की बात करें तो 17 इंचेस का स्टील व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। ई कॉल यानी कि इलेक्ट्रिक कॉल और SOS, यानी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप सिर्फ बटन दबाएं और उस टाइम पर आपको एक इमरजेंसी पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं कंपनी आपकी, तो वो एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फीचर है। आइसोफिक्स टायर एंकोराजेस भी आपको ऑफर किए जाते हैं। एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है जो कि हवा को प्योरीफाई करने में थोड़ी हेल्प करेगा। प्लस आपको फर्स्ट रो में USB, सेकेंड रो में USB-C और आपको फर्स्ट रो में प्रॉपर रूफ लैंप, सेकेंड रो में भी डेडिकेटेड रूफ लैंप मिलेंगे, और थर्ड रो में एक एक साइड पे आपको रूफ लैंप्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब प्राइजिंग आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर मैं चार्ट लगा रहा हूँ, और ये भी बताना चाहूँगा कि आई पर्सनली बिलीव कि बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी, मिडल वेरिएंट यानी कि Z6 इज़ वैल्यू फॉर मनी, एंड टॉप वेरिएंट यानी कि Z4 और Z8 ठीक, लेकिन Z2, Z6 और Z8 लग्जरी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया प्राइजिंग पे यहाँ पर आए हैं, और जल्द ही ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव्स के प्राइस जो है सामने आ जाएंगे। अगर बुकिंग्स की बात करें तो 30th को इसकी प्रॉपर बुकिंग्स जो है वो शुरू हो जाएंगी ऑफिशियली, और आपके पास 2 हफ्ते का समय होगा अपने वेरिएंट को फाइनल करने का। आई पर्सनली बिलीव के कंपनी कहती है कि भाई फाइनल कर लो, लेना लो नहीं लेना ना लो, ऐसा कुछ उनका आया है सामने कि 2 वीक्स में अगर आपने फाइनलाइज नहीं किया तो मनी वो रिफंडेबल नहीं होगी, तो वो इस चीज़ का ध्यान जरूरी है मुझे लगता है, बिकॉज उन्होंने जो 2 वीक का टाइम दिया है, तो उस चीज़ को शोरूम पर जब भी आप बुकिंग करवाने जाएंगे या कभी फ़ोन करेंगे शोरूम्स पर तो उनसे पूछिएगा जरूर कि बुकिंग का प्रोसीजर कैसा है। नेक्स्ट वुड बी द ऑटोमेटिक एंड 4-व्हील ड्राइव के ऑप्शंस, वो 21 जुलाई को प्राइसिंग सामने आएगी, तो वो भी काफ़ी सही है। मैं आई थिंक थोड़ा लेट करी कंपनी देखना चाहती है कि मैनुअल को रिस्पांस कैसा मिलता है, बट आई बिलीव अब मैनुअल को जैसा भी मिले उनको ऑटोमेटिक की प्राइस तो उनकी सेट ही होगी ना, वो अब या तो 2-2.5 लाख ज़्यादा होगी, वो तो पॉसिबल नहीं, 1-1.5 लाख का फर्क ही होगा ना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा है। अब अगला आ जाता है इसके टेस्ट ड्राइव, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, 5 जुलाई से इसकी ऑफिशियल टेस्ट ड्राइव है, हालांकि शोरूम वाले अभी भी दे रहे हैं तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। डिलीवरीज हर कोई पूछना चाहेगा, जैसे XUV700 के साथ हुआ, थार के साथ हुआ, लोगों के मन में है कि भाई डिलीवरीज का क्या होगा, तो स्कॉर्पियो N में डिलीवरीज की टेंशन लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कंपनी कहती है कि 2 महीने में डिलीवरीज हम प्रॉपर शुरू करेंगे, और तभी करेंगे जब हमारे पास इनफ वेरिएंट्स होंगे, ऐसे नहीं थोड़े से दे दिए फिर 2 महीने वेट कराया, वो लगातार स्ट्रीमलाइन डिलीवरी चलेगी, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं कंपनीज को प्रॉपर टाइम पर डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए। स्कॉर्पियो के लेकर एक्साइटमेंट पूरी है, और जो ये प्राइसिंग है ये आपको बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ पहली 25,000 बुकिंग्स के लिए है, जो कि मुझे लगता है कि एक ही दिन में हो जाएगी, ये मेरा मानना है, मैक्सिमम 2 दिन नहीं एक दिन में हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो दीज वर द 100 थिंग्स अबाउट द न्यू स्कॉर्पियो, एंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक जरूर कर दे, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें आपको इस 100 में से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो बेस्ट लगता है, एंड इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज काफ़ी सारे अपडेट्स हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।